नूबड़ो की तरह स्लोली स्लोली आ रहे हैं। मैं तो खड़ा होकर पाइप देख रहा हूँ। अभी आता है लॉगी बड़ा धमाका। ओके बड़ा धमाका लेकर आओ, लेकिन अब की बारी तो बाइक काम करने का, तो जल्दी से इस गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा इससे पहले कि ऊपर से पाइप्स आ जाएं। और ये अपना रेंज रोवर, लेट्स गो। ठीक है भाई, मैं तो अभी रेंज रोवर के अंदर बैठा हूँ। This is a HelloFresh box with everything you need to turn these ingredients into easy, fresh home cooking. Dinner is solved. मेरी गाड़ी नीचे गिराया ना भाई। नो, भाई मेरी गाड़ी तो नीचे जा रही है भाई। ब्रेकें गाइस अभी मुझे यहाँ से मार दिए हैं और यहाँ से मुझे ऐसे गाड़ी भी मोड़ दिया। अबे पीछे टॉक्सिक बैरल्स पड़े हुए हैं। ओके मैं बच गया, मैं बच गया। क्या फटते हैं क्या वो बैरल? हाँ ऑब्वियसली फटते हैं भाई, वो टॉक्सिक बैरल्स हैं। अभी आता है गाइस कूड़ा को चकने के लिए, ऑब्वियसली लॉगी कूड़ा को चकने के लिए, कूड़े वाला ट्रक। यार रहने दो भाई, रहने दो। ओके आई थिंक गाइस समझदारी इसी में है कि ये गाड़ी मैं यहीं पर ही छोड़ दूं। तू गाड़ी के अंदर बैठा था भाई? मैं गाड़ी के अंदर बैठा था लेकिन उसने मुझे पूरा नीचे ही भेज दिया भाई। मैं ऑलमोस्ट टॉक्सिक बैरल के साथ फटने वाला था। गेम होती है ना, एंड मौके पर आपको सांप डंग लेता है और वापस पीछे आ जाते हो। तो लॉगी ने भी वैसा ही किया। वही तो यार, मेरे साथ तो पूरा ट्रोल यहाँ पर हो गया। और भाई साहब क्या एक्सप्लोजन हो रहे हैं मेरे पीछे। और ट्रक भाई, कोड़े वाला ट्रक, मेरे को लगता है कि तेरे को यहाँ पर जो है बिल्कुल नीचे फेंक ही देंगे। ऑब्वियसली उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो मुझे लगता है कि एक में बच गया भाई। मैं बच गया, कैसे बच गया भाई? मैंने लास्ट मोमेंट पे छलांग मार ली। वही तो भाई, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक खेल रहा हूँ आज। मैं यही बोलने वाला था कि कोड़े वाले को ट्रक ऑब्वियसली साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो वो ऑब्वियसली ज्यादा ग्राउंड कवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लग जाएगा इसको भाई। भले ही भाई उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन रैम भी कुछ कम नहीं है भाई, रैम भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके काम करते हैं। लॉगी तो है कहाँ पर? भाई मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। ओके अभी छोटा सैंपल आएगा। मैंने 90% भाई यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। भाई ऊपर से अरे मैंने इतनी गाड़ी गिराई भी नहीं, मैंने सिर्फ एक ही छोटी वाली गाड़ी गिरा कर दी थी। इतनी सारी नहीं गिरानी होती है भाई, अभी तो मैं डेफिनेटली। अरे मैंने गोली मारी भी नहीं। व्हाट द, अपने आप आ रहे हैं ये। एक काम करते गाइस, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आई डोंट थिंक मुझे कुछ भी होगा। लेट्स गो, मैं बच गया। What? आ रहा हूँ चपाती भाई, आ रहा हूँ मैं। तू बच कैसे गया भाई? मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक खेल रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ। कमन कमन कमन, मेरे पास तो गिराने के लिए गाड़ियाँ भी नहीं है मेरे भाई। क्या खत्म हो गई क्या भाई? ऊपर गाड़ियाँ है नहीं और मैं ऑलमोस्ट आ चुका हूँ। ओहो माई गॉड, ये देखो यहाँ पर तो गाइस, अरे मुझे क्या क्या वेपन्स मिल रहे हैं भाई। काम करता है, सबसे पहले गाइस मुझे यहाँ से उठाना है आर्मर। और यहाँ पर गाइस रॉकेट लॉन्चर्स पड़े हुए हैं, मिनी गन्स पड़ी हुई है, और पूरा टैंक भी खड़ा हुआ है। और एक काम करते गाइस, मैं ये पूरा टैंक लेकर जाऊंगा। When I first started Clash, I had such a tiny village, just a builder and a few huts. But after an hour and a few upgrades, it was already looking pretty cool. 5 months later, and now my village has so many awesome defenses. It's 1 year now, and I'm pushing for the max town hall. माइनिंग करो करो करो, मुझे सारा कोबलस्टोन यहाँ से उठाना है। लकली गाइस ऑगी की पिकैक्स के ऊपर एफिशिएंसी 1 मिलियन तो लगी हुई है, तो 2 सेकंड के अंदर मुझे सारी सप्लाईज यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन मुझे यहाँ पर कोबलस्टोन नहीं गाइस, मुझे यहाँ पर ढेर सारा आयन चाहिए जो बिल्कुल मेरे सामने पड़ा है। तो ये सारा आयन मुझे पहले यहाँ से उठाना है। और यार ये आलू मैं यहाँ पे फेंक लेता हूँ। उठाओ उठाओ उठाओ, थोड़ा सा आयन यहाँ पर भी पड़ा है और थोड़ा सा आयन यहाँ पर कोने के अंदर भी पड़ा है। और वो ये क्या था भाई, मैंने अभी गाइस यहाँ पर कुछ महसूस किया है यार, वेदर की तरह गाइस मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ महसूस किया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मटन खाना है क्योंकि मेरी हंगर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और आयन को स्मेल्ट करने के लिए मुझे ऑल्सो यहाँ पर कोयला भी चाहिए होगा, तो मैं लीफ यहाँ पर फेंक लेता हूँ। थोड़ा सा कोयला यहाँ पर भी पड़ा है, उठाओ उठाओ उठाओ। अरे भाई सब यार यहाँ पर कितना ज्यादा कोयला पड़ा है, ये सारा मुझे यहाँ से उठाना है। और अभी मुझे जल्दी से पानी यूज करके यहाँ से निकलना है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ हमारी सिटी के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। तो आप बिल्कुल मेरे ऊपर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर कैसे खतरनाक बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। गाइस हमारी सिटी के अंदर एक्चुअली यहाँ पर वेदर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और मैंने सुना है कि हमारी सिटी के अंदर गाइस अगर वेदर ऐसे ही चलता रहा तो टोर्नेडो भी आ सकता है। वाओ, अरे चपाती भाई क्या कर रहे हो यार, क्या इलाइट्रा यूज कर रहे हो यार? की तरह मैं गया दुबले बंदर वाले को, मैं जीत चुका हूं रेस। व्हाट, किसके साथ रेस लगा रहे हो भाई, किसके साथ रेस लगा रहे हो? ये वाला प्राण किधर गया? ये आ रहा है भाई, बंदर बंदर भी यहाँ पर आ चुका है भाई। ये क्या कर रहा है, ये कैसे टोर्नेडो की तरह यहाँ पर घूम रहा है यार? देख ले मेरे को
मेरे को चैलेंज किया था इसने कि रेस लगा दिया, लेकिन अपुन तेरे को पता है कि भैंस की माइनक्राफ्ट के अंदर, रोब्लॉक्स के अंदर, GTA 5 के अंदर, टेकन 3 के अंदर, स्काइरिम के अंदर, सारी गेमों के अंदर पार्कोरिंग चैंपियन होती भाई। रहने तो बहुत तेरी भाई, क्या एक्शन मार्केट ने ड्रिफ्ट यहां पर मारी। लेकिन एनीवे सुनो भाई, डायमंड निकाल, तू हार चुका है। अबे डायमंड्स को छोड़ो भाई, डायमंड्स को छोड़ो, हमारी सिटी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तू जा सॉल्व कर। अरे भाई मैं अकेले सॉल्व नहीं कर सकता भाई, यहां पर भाई वेदर वाली प्रॉब्लम आ चुकी है भाई। ऊपर क्लाउड नहीं देख रहे हो क्या? तो तभी मैं कहूँ कितनी ठंडी ठंडी हवाएं कैसे चल रही हैं। और देख रहे हो भाई हमारी सिटी के आसपास, देखो भाई कैसे लीव्स यहाँ पर उड़ रहे हैं भाई। हमारा वेदर यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इवेंचुअली यहाँ पर टोर्नेडो भी आ सकता है। अरे भाई मैं कैसे सॉल्व करूँ यार। एक मिनट भाई, पहले मैं तीर कमान निकालूं भाई। आपको भाई मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे हमको तेरी बात नहीं माननी भाई, हम यहाँ पर रेस लगा रहे हैं यार। एनीवेज यार गाइस, चपाती भाई को अगर नहीं मानना तो कोई बात नहीं, और मुझे गाइस अभी जाकर अपनी तैयारी करनी है। देख मैं तेरे को एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरी फाइनल वार्निंग है, उड़ के भाग जा रहा है। और भाई मैंने अभी नोटिस किया, ये बात क्यों नहीं कर रहा? मैंने तारे निकालनी है हेडफोन की। रहने दो भाई, करता है यार हमेशा भाई, आप ऐसे ही डायलॉग मारते हो। और भाई भाई ये गया कहाँ? मैंने अभी देखा पहाड़ों के अंदर गया, अंदर चला गया, नूबर है वहाँ पर, छुपने की कोशिश कर रहा है, गधा बंदा यार। बाबा टीटू के अंदर कुछ भी नहीं है। रहने दो भाई, वो वैसे भी छुट्टियों पर गया है, तो